पंचकुला स्थित पंचकमल में 2024 लोकसभा चुनाव कार्य योजना की बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी का बयान। 2024 के लोकसभा चुनाव के मैप पर चर्चा हुई है। केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों पर चर्चा हुई है। 10 की 10 लोकसभा सीटें लगातार दूसरी बार जीतने पर भी चर्चा हुई है। बेजयंत जय पांडा ने बैठक में हरियाणा सरकार के जन कल्याणकारी कामों का फीडबैक लिया तथा 2024 के चुनाव को लेकर मार्गदर्शन किया। जेपी नड्डा के रोड शो पर कहा, 3 राज्यों के चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत पर हरियाणा की जनता ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भव्य स्वागत किया तथा लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें दोबारा भाजपा की झोली में डालने का वादा किया। गठबंधन से जुड़े सवाल पर कहा, देखिए 2024 की तैयारियों को लेकर के आज हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक, केंद्रीय हमारे नेता आदरणीय जयंत पांडा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रभारी जी और हमारे हरियाणा की तमाम उच्च लीडरशिप इस बैठक में संगठनात्मक और आने वाले 2024 का क्या रोड मैप है उसको लेकर के आज चर्चा हुई है। केंद्र सरकार ने जो कार्य किए हैं, प्रदेश सरकार ने जो काम किए हैं, उन सब बातों को लेकर के कि नीचे जो लाभ मिले हैं, ऐसे तमाम लोगों से संपर्क करते हुए अगर कोई छूटा है, उन सब लोगों को सरकार की योजना का लाभ मिले और आने वाले समय के अंदर हरियाणा में हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें, ये दूसरी बार हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा की सीटें, उसका रोड मैप, उन सब बातों को लेकर के चर्चा हुई है। क्योंकि हमारा जो संगठनात्मक नीचे कार्यक्षेत्र है वो सारा का सारा वो सरकार की, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर के जन जन तक जाए और जिस प्रकार के काम किए हैं सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, इन 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने कहीं ना कहीं एक नई तस्वीर देश और प्रदेश की बनाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हुआ है। लोगों में एक बड़ा उत्साह और एक जोश देखने को वो मिल रहा है। उन सब आगामी क्या क्या कार्यक्रम होंगे उन कार्यक्रमों को लेकर के भी चर्चा की गई है और आने वाले 2024 का ही सारा रोड मैप इसके ऊपर तैयार किया गया। सर, केंद्रीय निदेशक साहब ने नए कार्यक्रम क्या क्या रहने वाले, सब कुछ विस्तार से बताइए। देखिए, आज आप लोगों ने देखा है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश जी नड्डा, सुबह उन्होंने एक रोड शो किया है, हरियाणा के अंदर आए हैं और हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने मिलकर के, आम जन ने मिलकर के, जो लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिला है कि एक भव्य रोड शो हुआ है। 3 राज्यों की ऐतिहासिक जीत के बाद पहली बार आदरणीय नड्डा जी हरियाणा के अंदर आए और हरियाणा ने दिल खोल करके आदरणीय नड्डा जी का स्वागत किया है और एक पिक्चर जो जोश देखने को लोगों में मिला है, जिस प्रकार का जोश और उत्साह था, 10 की 10 लोकसभा की सीटें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम हरियाणा करेगा। सर, जो केंद्रीय प्रवेशक साहब आए थे उन्होंने भी कोई फीडबैक लिया होगा सरकार को लेकर, आगामी चुनाव कैसे लड़ने हैं, 10 की 10 सीटों पर लड़ने हैं, अकेले लड़ने हैं, मिलकर लड़ने हैं, किस तरीके का फीडबैक नहीं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको, क्योंकि पिछले जो कार्य हुए हैं, देखिए मैंने आपको बताया है जो 10 सीटों का रोड मैप है उसके ऊपर सरकार ने जो काम किए हैं, जो विकास के काम किए हैं, जो लोगों तक लाभ पहुंचाने के काम किए हैं, जो देश की समस्याओं का समाधान किया है, चाहे धारा 370 की बात ले लीजिए या भगवान श्री राम के मंदिर की बात ले लीजिए, देश के अंदर जो विपक्ष ने, कांग्रेस ने जो समस्याएं बना रखी थी, उन समस्याओं को
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनका समाधान किया है, उनके नेतृत्व की सरकार ने समाधान किया है और उसी का परिणाम है कि देश एक श्रद्धा से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहा है। दुनिया के अंदर जिस व्यक्ति ने भारत को ऊंचा किया है तो आज भारत के लोग भी नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे और उसके अंदर हरियाणा की बड़ी भूमिका होगी। हम 10 की 10 लोकसभा की सीट को लेकर कोई चर्चा नहीं है। कोई ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।